तो आप में से अधिकतर तो लोग वायु प्रदूषण के बारे में जानते होंगे, जल प्रदूषण के बारे में भी जानते होंगे, मृदा प्रदूषण के बारे में भी जानते हैं। आखिर ये प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, ये भी चर्चा में बना रहता है। इससे भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं और मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो परिस्थिति बनी हुई है इसके हिसाब से तो क्वेश्चंस हर समय पूछे जाते रहते हैं। और प्रदूषण का सीधा सा अर्थ आप लोग समझिए कि वो अवांछनीय तत्व जो या तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या हमारे लिए हानिकारक है, उसे हम लोग प्रदूषण कह देते हैं। ठीक है, एक सीधी सादी भाषा है परिभाषा। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग देश में लगातार प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है और मौजूदा समय में यह एक पर्यावरणीय आपदा के रूप में स्थापित हो चुकी है। प्लास्टिक का अतिशय प्रयोग इस समय संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और पिछले आप देखेंगे पिछले पिछले 100 वर्षों में संपूर्ण विश्व लगभग 80 अरब टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन कर चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। एक इस विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि हम इस समय एक प्लास्टिक बम पर बैठे हैं। निसंदेह यह एक भयावह परिस्थिति बनी हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए। प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ किसी आकार में परिवर्तित होने वाला नमनीय पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से यह एक पॉलीमर है और नमनीयता के आधार पर प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक। कौन सा? थर्मोप्लास्टिक। ये गर्म होने के बाद अपना आकार आसानी से बदल देते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये गर्म होने पर अपना आकार नहीं बदलते हैं। एक तरह से आप कहिए कि थर्मोप्लास्टिक ठीक है कि एक तरह से एक वस्तु से आप दूसरी वस्तु में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि कोई मग है आपके पास, उसे आप लोग गलाकर कुछ और भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं उसका। लेकिन हानिकारक वो होता है कि जिसका आप लोग समझिए कि ना तो उसका मतलब खत्म किया जा सकता है और ना ही उसे किसी दूसरी वस्तु में बनाकर परिवर्तित किया जा सकता है। प्लास्टिक के अगर प्रयोग की बात करें हम लोग, तो आज के समय में प्लास्टिक ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तक सबसे सब में व्याप्त है। सूचना तथा संचार क्रांति के आने से इसका उपयोग अत्यंत तीव्रता से बढ़ा है। संपूर्ण विश्व में प्लास्टिक की प्रति वर्ष खपत में अमेरिका संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो इसे भी याद रखिए, अमेरिका किस स्थान पर है? पहले। अमेरिका 109 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का प्लास्टिक उपभोग करता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि एक साल में एक व्यक्ति 109 किलोग्राम के करीब उपयोग करता है प्लास्टिक। वहीं यूरोप की बात करें तो आप देखेंगे 65 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, और चीन की बात करें तो 35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उपयोग करता है। अनियोजित प्लास्टिक कचरे में चीन का योगदान 25%, इंडोनेशिया का 11% और भारत का देखें तो 4.8% है। यानी कि भारत का आप देख सकते हैं 4.8%। और कह हो सकता है कि आपसे यही डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाए, तो याद रखिए भारत कम है, ठीक है, चाइना से कम है, इंडोनेशिया से कम है। प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 30 टन 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है और यह लगभग पृथ्वी पर मनुष्यों के कुल भार के बराबर है। आप समझ रहे हैं कि मतलब जितना भार मनुष्यों का है, एक तरह से आप कहिए कि एक व्यक्ति जैसे हम हैं या आप हैं, जितना इस धरती पर, मान लीजिए कि आप पूरी धरती हैं, मनुष्य की आपकी पूरी कैटेगरी है, तो आपको तोला जाए और प्लास्टिक को तो लगभग बराबर वजन देखने को मिलेगा। भारत की अगर हम लोग प्लास्टिक की स्थिति की बात करें, भारत तथा प्लास्टिक, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में प्रति वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें 690 टन अकेले दिल्ली से अपशिष्ट प्राप्त होता है। इस अपशिष्ट का 60% रिसाइकल होकर पुनः प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि जो टोटल 100% मान लीजिए प्रयोग हो रहा है, तो 60 उसे 60% को हम बदल देते हैं रिसाइकल करके, मतलब दूसरी वस्तुओं में कन्वर्ट कर देते हैं, परंतु शेष पुनः प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। और जो पुनः प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, यही चिंता का कारण बना हुआ है। जो प्लास्टिक पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। यह सिंगल यूज प्लास्टिक अत्यंत खतरनाक होता है। तकनीकी रूप से 40 माइक्रोमीटर या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कैरी बैग हो गया, कप हो गया, पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं। ठीक है, अगर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव की बात करें कि इतनी हम लोगों ने कथा सुन ली है, तो
तो इसका मतलब हानिकारक प्रभाव क्या है, इसे इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? तो भूमि पर प्रभाव बात करते हैं। प्लास्टिक भूमि की भौतिक तथा रासायनिक क्षमता का ह्रास करता है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। चूंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में 1000 से अधिक वर्षों का समय लगता है। कितना? 1000 से अधिक वर्षों का समय लगता है। अपघटित होकर या छोटे छोटे जहरीले अवयव में परिवर्तित होकर मृदा को दूषित करते हैं। याद रखिए, यही जाके जब पानी में मिल जाते हैं तो पानी को भी दूषित कर देते हैं। यह जल तथा पोषक तत्वों के अवशोषण में अवरोधक की तरह कार्य भी करता है। अगर हम बात करें जल तथा जलीय निकायों पर प्रभाव क्या पड़ता है प्लास्टिक प्रदूषण से, तो प्लास्टिक भूमिगत जल के साथ साथ नदियों तथा समुद्रों को भी प्रभावित करता है। टॉक्सिक लिंक के अध्ययन के अनुसार विश्व के लगभग 20 प्रमुख नदियां लगभग 14 लाख टन प्लास्टिक को धारण किए हुए हैं। इन नदियों में गंगा का दूसरा स्थान है, जबकि यांगत्ज़े का प्रथम स्थान है। तो हमारी जो गंगा माता हम लोग मानते हैं, ये दूसरे नंबर पे है। ये मत कहिए कि मतलब खास कोई अच्छी स्थिति है, मतलब बुरी ही स्थिति में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख टन कचरा समुद्रों में मिल रहा है। इसे समुद्री जीव तथा वनस्पति दोनों को खतरा हो रहा है। यह कोरल रीफ के लिए भी संकट उत्पन्न करता है। समुद्री कछुए भेल इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। भूमि भराव में डाले गए प्लास्टिक भूमिगत जल को भी दूषित करते हैं। एक तरह से आप कहिए कि कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है, तो ये सभी को परिस्थिति को प्रभावित करेंगे, मानव को भी करेंगे, जीव को भी करेंगे, हर तरह से। अगर वायुमंडल में हम बात करें क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया में उन्हें उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाना पड़ता है, जिससे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्सिन, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड जैसी विषैली गैसें निकलती हैं। तो यह मनुष्य के श्वसन तंत्र में खराबी के साथ साथ वैश्विक तापन हेतु उत्तरदायी होती है। अगर मानव पर प्रभाव की बात करें कि हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्लास्टिक के विषैले रसायन कैंसर, थायराइड, अनुवांशिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बीमारियां हम लोगों में देखने को मिलती हैं। प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्या उत्पन्न करने वाले वाले रसायन हैं, जो मोटापा तथा डायबिटीज का कारण बनते हैं। और ये दो प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आजकल हर मतलब लगभग आप सोचिए कि हर जगह देखने को मिल रही है। अधिकतर लोगों में, आधी से अधिकतर लोगों में यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कई बार ड्रेनेज सिस्टम में फंसे प्लास्टिक से बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, तो मानव जन जीवन को प्रभावित करते हैं। रोकथाम की अगर प्रयास की बात करें, अब आप समझ रहे हैं कि समस्या है तो उसका समाधान भी तो होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो भारत सहित संपूर्ण विश्व इसकी समस्या से ग्रस्त है। विश्व के कई देशों द्वारा इसे काम करने के प्रयास किए गए हैं। इस समय विश्व के 40 से अधिक देशों ने प्लास्टिक के आंसे के अपूर्ण प्रतिबंध के प्रावधान किए हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा यूपी में काफी पॉलीथिन बैन की बात की गई थी। आपने देखा होगा कि दुकानदारों पर मतलब एक तरह से आप जुर्माना लगाया जा रहा था, बंद हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से चालू हो गई है। ठीक है, बांग्लादेश में 1998 के उपरांत सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध का फैसला लिया है। केन्या में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड का प्रावधान है। ये बढ़िया बात है। स्वीडन में प्लास्टिक को रिसाइकिल कर बिजली बनाने की तकनीक है। तो इस तरह की तकनीक हमें भी देख लेनी चाहिए, या हम लोग बदल सकते हैं। जूट हमारे यहाँ होता है, कपास होता है, तो इसके भी हम थैला उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप भी किया करिए। आप कभी दूध लेने जा रहे हैं कहीं, तो अपना डिब्बा ले जाइए। ठीक है, और कभी आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो अपना कोई ऐसा जूट का हो गया, फिर चाहे आपका कपास का हो गया, ऐसे थैला ले जाइए और ले आइए। ठीक है, अपना भी योगदान देते रहा करिएगा, क्योंकि याद रखिए सरकार कुछ नहीं कर पाती है अकेले। कल भी मैंने बात की थी, हर समय बताता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान में अगर सफलता का योगदान जाए तो आप लोगों को जाए। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं उसमें कर दिया है। अगर आप लोग नहीं जुड़ते तो कुछ नहीं उखड़ने वाला था। हजारों योजनाएं आती रहे, कभी सक्सेस नहीं हो सकती जबकि आम आदमी ना जुड़े। आम आदमी कहने का मतलब कोई पार्टी नहीं है, हम आप लोग। ठीक है, क्योंकि आम आदमी नाम लेने से भी आजकल पॉलिटिकल हो जाते हैं लोग। भारत में किए जा रहे प्रयास की बात करें, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 18 राज्यों में प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध है। दिल्ली सरकार ने 2012 से प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मार्च 2018 से महाराष्ट्र सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में 2018 से 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक कैरी बैग व अन्य उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2018 के पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा
2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रयोग से बाहर करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क बनाने में अधिक से अधिक प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। एक बात और आपको बता दूं, क्या होता है कि हमारे यहाँ योजनाएं और कानून हर कुछ आता रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इससे आप नहीं जग जाहिर है हमारे यहाँ, समझ रहे हैं। एक तरह से हमारे यहाँ मजाक लिया जाता है। अब आप सोचिए कि लॉकडाउन लगा, उसे भी हम लोगों ने मजाक में ले लिया। आप देखिए कि कोरोना वायरस को भी हम लोगों ने मजाक ले लिया। वो तो अच्छी बात है कि टेस्टिंग कम हो रही है, न तो अमेरिका को हम लोग कब का पछाड़ चुके होते। ये हकीकत है, रियलिटी है, देखिए मानिए या ना मानिए। आप सोचिए इतनी चुनावों में भीड़ उमड़ रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसे फैल रहा होगा? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही, कोई मास्क मास्क नहीं लगाए हुए, तो होगा ऐसा, लेकिन हम लोग मानते कहां है, हम लोग परंपरावादी आदमी है, ठीक है। और एक बात और हमेशा याद रखिए, इस तरह के टॉपिक जो करंट में चर्चा में रहते हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा। इसीलिए कहता हूं कि कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर मेंस के हों, फिर चाहे आपके प्रीलिम्स के हों, उठा के देख लिया करिएगा, ठीक है। इसे भी जान लेते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। इस नियम के द्वारा क्या कहा गया है, प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 50 माइक्रोन्स निर्धारित किया गया है। इस कदम को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त किया गया है, यानी कि शक्तिशाली बनाया जाएगा। प्लास्टिक उत्पादकों को पंजीकरण के माध्यम से नियंत्रित किया गया। इसमें पॉलीथिन के उपयोग पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई पॉलीथिन की किसी क्षेत्र में बेचना चाहता है तो उसे नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कर अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क देना होगा। तो इसे भी आप लोग डाल सकते हैं, एक आंसर आपका प्रभावकारी हो जाएगा, ठीक है। अन्य उपायों की बात करें अगर हम लोग, तो प्लास्टिक आज हमारे जीवन का अंग बन चुका है। मात्र इसे प्रतिबंधित करना जनमानस की सुविधाओं को प्रभावित करेगा, ऐसे में प्लास्टिक का विकल्प बनाया जाना अनिवार्य है। इस बात को मैंने कई बार दोहराया है। जैसे आप सोचिए कि हम लोग जैसे चाइनीज कंपनियों पर कई लोग बोलते हैं कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या होगा प्रतिबंध लगाने से? आपके पास कोई ऑप्शन है? एक तरफ आप डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल भारत के लिए कम से कम इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑप्शन देखिए, बायकॉट चाइना की कोई भी वस्तु मोबाइल करने से नहीं, कभी नहीं होगा, कोई देश सक्सेस नहीं होता इस तरह। आप एक ही ऑप्शन उपलब्ध करा सकते हैं कि मान लीजिए अभी आपकी मतलब 70 से 75% चाइनीज कंपनियों का दबदबा है आपके बाजार में, आप ऐसा फोन लाइए मार्केट में कि आपका उतना ही सस्ता रहे और जनता के लिए एक द्वार खुल जाए। अब आप सोचिए कि आपके पास एक रूम है, आपके पास एक ही गेट है, तो आप एक ही गेट से निकलेंगे। मान लीजिए दूसरा गेट बना दिया जाए तो उसमें दूसरे गेट से भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं, निकल सकते हैं और आ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह की सुविधा आपको उपलब्ध कराना होगा और जनता तभी एक तरह से उनके लिए वो भी देशभक्ति दिखा पाएगी। अब वही कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होता, तो आप सोचिए जूट प्लास्टिक का बेहतर विकल्प हो सकता है, यह बायोडिग्रेडेबल है और तथा पैकिंग हेतु उपयुक्त भी है। प्लास्टिक से सड़क निर्माण तथा विद्युत उत्पादन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही पॉलीलेक्टाइड जैसे स्टार्च आधारित प्लास्टिक का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बांस तथा अन्य जैविक उत्पादों से निर्मित वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अरे हम आप लोग परंपरावादी जो हमारी रहे हैं उन्हीं को हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो काफी आगे तक हम लोग बढ़ सकते हैं। लास्ट में कह सकते हैं कि जिस प्लास्टिक ने कुछ समय पूर्व मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया था वही अब घातक सिद्ध हो रही है। पृथ्वी पर प्रतिवर्ष मनुष्यों के भार के बराबर प्लास्टिक का भार बढ़ रहा है। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण के लिए चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में भारत तथा संपूर्ण विश्व की सरकार के साथ साथ लोगों को भी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में सहयोग करना होगा। आप इतने दिमाग में मैंने सोचिए कि आपका वजन मान लीजिए कि 40-50 किलो 60 किलोग्राम है, तो आपका हिस्सा एक तरह से दुनिया में देखिए औसतन हिस्सा आपका आपके वजन ही के बराबर आपका योगदान है प्लास्टिक देने में। मान लीजिए आपने कम यूज किया लेकिन औसत निकालना हो। तो ये आपका टॉपिक था सामान्य अध्ययन पेपर प्रश्न 3rd से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, ठीक है। ये जब आप लोग क्या करते हैं, जब आप कहीं भी आप देखते हैं तो आप एक पूरा टॉपिक ही पढ़ते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें आप देखते हैं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है।